जंगल में बारिश शुरू होने वाली थी और चिड़िया ने ढेर सारा अनाज जमा कर लिया था। घर की मरम्मत भी करके रख ली थी। गुड़िया बेटी, तुम भी अपनी माँ की तरह बनना, हर काम समय पे करना और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे न हटना। कानू, मैं कह देती हूँ, इस चूल्हे पे मुझसे खाना नहीं बनता, इसका बटन खराब हो रहा है। इससे पहले बारिश लग जाए तुम इसे ठीक करा लाओ। कल करा लाऊंगा पत्नी जी, अभी तो तुम मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दो प्लीज। तुम्हारा कल सुनते सुनते महीना निकल गया। मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ और तुम चार कप चाय पी चुके हो। तुम अभी के अभी जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। चाहो तो चिड़िया के पास ही चले जाओ, ये पास ही तो चावल का खेत है गौरी, जाके जितने चाहो उतने चावल खा लो। वैसे भी अब चिड़िया को हमारे बारे में पता चल गया है कि हम कितने ज्यादा आलसी है, इसलिए वो मुझे भोजन नहीं देगी। मैं नहीं खाती चावल मामल। और चावल से याद आया, पति जी बारिश से पहले आपको तो अनाज भी तो इकट्ठा करना है। ओफ गौरी, खेत पास में तो है, दाना क्यों जमा करेगा भला। तुम्हारा अभी चावल खाने का मन नहीं है तो मैं कुछ ले आता हूँ। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है कालू जी। तुम चिड़िया के घर जाना और उससे कहना मुझे एक शिकारी पक्षी ने पकड़ रखा है, उसे कुछ दूसरी चीज खाने को देंगे तभी वो मुझे छोड़ेगा। गौरी, तुम तो मेरे साथ रह रह कर बहुत सयानी हो गई हो, ऐसे तो चिड़िया जरूर उल्लू बन जाएगी। और फिर कालू चिड़िया की ओर चल देता है। कालू भैया जी, आज आप इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? चिड़िया बहन, अनर्थ हो गया अपने इस भाई की, अब तुम ही मदद कर सकती हो। मेरे घर शिकारी पक्षी घुस गया है और वो कहता है वो हमें खा जाएगा। मैंने उसकी विनती की तो फिर कहने लगा वो हमें छोड़ देगा अगर उसे कुछ और खाने को दे। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, अब तुम जल्दी से कुछ ना कुछ दे दो। मैं जाके उस शिकारी पक्षी को कुछ दूंगा तभी वो हमारा पक्षी हमारी जान छोड़ेगा। आप घबराए नहीं भैया, मैं अभी कुछ ना कुछ आपको दे देती हूँ। फिर चिड़िया रसोई से कालू को कुछ भुट्टे ला के दे देती है। अब जल्दी जाइए कालू भैया, इससे पहले वो शिकारी पक्षी आपकी पत्नी को कोई नुकसान पहुँचा दे। चिड़िया बहन, आपने हमारी जान बचा ली, मैं तुरंत निकलता हूँ। अब दोनों पक्षी बड़े मजे से भुट्टे खा रहे होते हैं। गौरी, ये भुट्टे तो बड़े मीठे हैं और मजे की भी है। कालू जी, देखा कैसे बुद्धू बनाया चिड़िया को। हाँ गौरी, वो तो सच में मान गई और कोई दूसरी बात नहीं की उसने, मुझे तुरंत भोजन दे दिया और कहने लगी जल्दी जल्दी जाओ, गौरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। कितने बुद्धू है ये चिड़िया, हमेशा पागल बन जाती है। ऐसा कहकर दुष्ट पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, क्या कालू अंकल के यहाँ बड़ा सा डरावना सा शिकारी पक्षी आया हुआ है? गुड़िया बेटी, कालू अंकल झूठ बोल रहे थे। लेकिन मम्मा, आपने तो उनको भोजन तो दे दिया। गुड़िया बेटी, मुझे उसका सब पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी वो शर्मिंदा हो, इसलिए ही मैंने उनको भोजन दिया। दूसरी तरफ शाम होते से ही जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाहर देखो कालू, जल्दी उठो। क्या हुआ गौरी, पहले बारिश नहीं देखी क्या जो यूं काय काय कर रही हो? नहीं कालू जी, वो जो बाहर चावल का खेत था उसकी फसल बह गई, अब हमारा क्या होगा? तुमसे कितनी बार कहा था अनाज जमा कर लो, तुम तो एकदम ठीक कह रही हो गौरी, मैं तो उस चावल के खेत के भरोसे था। इधर रानू और गुड़िया बारिश के मजे लेते हुए भोजन कर रही होती है। मम्मा मम्मा, ये बारिश कितनी सुंदर लगती है, मुझे बारिश की आवाज से बहुत अच्छे से नींद आती है। मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, हमारे पास घर है, भोजन है और तुम भी तो हो गुड़िया बेटी, और मेरे पास आप हो मम्मा और आपकी नरम नरम गोद। एक काम करता हूँ गौरी, चिड़िया के भुट्टे का एक बोरा मैं चुरा लाता हूँ, वरना बरसात में बिन भोजन के हम तो मर ही जाएंगे। अब कालू चोरी छुपे खिड़की से देखता है, चिड़िया और
जिसकी बेटी गहरी नींद में सोई हुई होती है। अब कालू चिड़िया के घर में खिड़की से ही घुस जाता है और दबे पांव रसोई की तरफ चल पड़ता है। रसोई में बहुत सारे भुट्टे के बोरे पड़े थे। अरे वाह, यहाँ से तो मैं एक बोरा चुरा भी लूँ तो चिड़िया को पता ना चलेगा। ऐसा कहकर एक बोरा चुराता हुआ कौवा वापिस से दबे पैर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और चिड़िया गुड़िया आराम से गहरी नींद में सोते रह जाते हैं। चुरा लाया मेरा प्यारा पति, आखिरकार भुट्टे चुरा लाया। ये तो हम पूरे महीने खा सकते हैं कालू। गौरी, तुम्हारे मेहनती पति ने इतना सारा काम कर लिया, अब तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो। इन सभी भुट्टों को सेक सेक कर रख दो, फिर हम इन्हें जब चाहे तब खा लेंगे। ये तो बहुत अक्लमंदी की बात कही आपने, आप भी मेरे साथ रह रहकर सयाने तो हो गए हो। अब गौरी भुट्टे सेकने के लिए जैसे ही चूल्हे का बटन घुमाती है, बटन टूटकर नीचे गिर जाता है और गौरी गैस पे ध्यान दिए बिना कालू को डांटना शुरू कर देती है। ये आलसी आदमी मेरी एक नहीं सुनता है, एक महीने से मैं इससे चूल्हे की मरम्मत के लिए कह रही हूँ। और गौरी के पीछे से चूल्हे की आग पूरे घोंसले में फैल जाती है। ये देख कालू की जुबान तो मुंह में ही अटक जाती है। अरे गौरी, तुम्हारे पीछे देखो घोंसले में आग लग गई है, बाद में लड़ती रहना, पहले बाहर निकलो यहाँ से। अब कालू गौरी जल्दी जल्दी घोंसले के बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। कालू गौरी का प्यारा सा घर उनकी आंखों के सामने ही जल जल कर खाक हो रहा था। कालू, ये सब तुम्हारी आलस का नतीजा है। हर बात को जो तुम कल पर छोड़ते थे, इसी चक्कर में अब हमारे पास न घर है और न खाना। कालू को अब अपने आलस पे बड़ा पछतावा होता है। तो दोस्तों, कालू को अपने आलस की वजह से पूरा बारिश का मौसम बिना घर के निकालना पड़ा। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।